तीसरे T20 मुकाबले के आखिरी ओवर में आया रिंकू सिंह का तूफान। आखिरी दो ओवर में टीम इंडिया को जीत के लिए चाहिए थे 45 रन, लेकिन फिर ऐसे पलटा मुकाबला। 6 गेंदों पर 5 छक्के जड़कर पलट दिया रिंकू सिंह ने मुकाबला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और आयरलैंड के बीच खेले गए तीसरे T20 मुकाबले में एक बार फिर रिंकू सिंह और शिवम दुबे का तूफान देखने को मिला, जहाँ पर आखिरी दो ओवर में 45 और आखिरी ओवर में 30 रनों की जरूरत थी, लेकिन रिंकू सिंह के कमाल के परफॉर्मेंस ने टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत दिला दी। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी रिंकू सिंह की बेहतरीन बल्लेबाजी देख कर खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस महा मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले के टॉस की बात करें तो सिक्का उछाला पॉल स्टर्लिंग ने, लेकिन गिरा जसप्रीत बुमराह के पक्ष में। जसप्रीत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। आयरलैंड की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे पॉल स्टर्लिंग, तो उनके साथ थे एंड्रयू बलपर्णी। दोनों बल्लेबाजों ने टीम के लिए कमाल की शुरुआत की और शुरुआत से ही बड़े शॉट खेलते हुए नजर आए। दोनों बल्लेबाजों ने पावर प्ले के 6 ओवरों में कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 51 रन बना लिए। इस दौरान पॉल स्टर्लिंग के बल्ले से 2 बेहतरीन छक्के देखने को मिले, तो वहीं पर एंड्रयू बलवर्नी ने भी कमाल का परफॉर्मेंस किया। दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार पार्टनरशिप हो चुकी थी, लेकिन इस पार्टनरशिप को पावर प्ले के बाद भी दोनों बल्लेबाजों ने जारी रखा। खास करके एंड्रयू बलवर्नी के बल्ले से पावर प्ले के बाद कमाल के शॉट देखने को मिले। हालांकि इसी बीच यहाँ पर टीम इंडिया को पहली सफलता मिली पॉल स्टर्लिंग के रूप में, लेकिन पॉल स्टर्लिंग के आउट होने के बाद हैरी टेक्टर क्रीज पर उतरे, तो उन्होंने भी कमाल का साथ दिया एंड्रयू बलवर्नी का, और दोनों बल्लेबाजों ने टीम के स्कोर को 100 रनों तक पहुंचा दिया 11 ओवर की समाप्ति तक। इसके बाद भारतीय गेंदबाज यहां पर लाचार नजर आए। इस दौरान शानदार बल्लेबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने अपने अपने अर्धशतक पूरे कर लिए। वहीं पर इसी बीच दोस्तों, यहां पर शानदार परफॉर्मेंस करते हुए हैरी टेक्टर ने 2 बेहतरीन छक्के रवि बिश्नोई के ओवर में भी लगाए। ये कमाल का शॉट खेलते हुए डीप मिड विकेट की तरफ उन्होंने 2 गेंदों को 6 रनों के लिए भेज दिया। वहीं पर इसके बाद टीम इंडिया को एक और सफलता रवि बिश्नोई ने ही दिलाई। उनको यहाँ पर हैरी टेक्टर को आउट करके पेवलियन भेजा, लेकिन इसके बाद नए बल्लेबाज कैंपर क्रीज पर उतरे, तो उन्होंने भी कमाल की बल्लेबाजी की। वहीं पर इसी दौरान दोस्तों, 17वें ओवर डालने आए प्रसिद्ध कृष्णा के ओवर में भी कमाल के 2 छक्के देखने को मिले बलवर्नी के बल्ले से, तो वहीं पर एक स्वीप शॉट के जरिए भी उन्होंने वाशिंगटन सुंदर की गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। वैसे ओवरऑल देखा जाए तो कमाल की बल्लेबाजी रही, और आखिरी 5 ओवरों में भी कमाल की बल्लेबाजी आयरलैंड के बल्लेबाजों के द्वारा देखने को मिली, जिसके चलते आयरलैंड की टीम ने भारतीय टीम के सामने विशाल स्कोर खड़ा करने में कामयाबी हासिल की। आयरलैंड की टीम ने आखिरी 5 ओवर में बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए इस मुकाबले में 65 रन जोड़े, जिसके चलते उनकी टीम ने 203 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया टीम इंडिया के सामने। वहीं पर भारतीय टीम के सामने गेंदबाजों की बात करें तो टीम इंडिया के गेंदबाज उतनी अच्छी गेंदबाजी आज के इस मुकाबले में नहीं कर पाए, जिसके चलते एक बड़ा स्कोर मिला। वहीं पर भारतीय टीम इस 204 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी, तो टीम इंडिया की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे यशस्वी जायसवाल, तो उनके साथ थे ऋतुराज गायकवाड़। दोनों बल्लेबाजों ने यहां पर कमाल की शुरुआत की, और पारी की पहली गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले से एक बेहतरीन चौका देखने को मिला। उन्होंने शानदार तरीके से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा, तो वहीं पर इस ओवर की आखिरी गेंद पर बेहतरीन छक्के के साथ अपनी पारी का आगाज भी किया यशस्वी जायसवाल ने। टीम इंडिया ने पहले ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 11 रन बटोरे, तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों, दूसरे ओवर में भी यशस्वी जायसवाल के बल्ले से एक और कमाल का छक्का देखने को मिला, और इस बार भी गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा, तो वहीं पर दूसरे ओवर की 5वीं गेंद पर कट शॉट के जरिए बेहतरीन चौका जड़ने में कामयाब हुए ऋतुराज गायकवाड़। इसके बाद तो दोनों बल्लेबाजों ने टीम इंडिया को तेजी से रनों के स्कोर में आगे बढ़ाया, और एक के बाद एक कई दर्शनीय शॉट देखने को मिले। इस दौरान दोस्तों, दोनों बल्लेबाजों ने कमाल का शॉट खेला, लेकिन मार्क अदेर की गेंद पर एक बेहतरीन कट शॉट के जरिए 4थे ओवर की 5वीं गेंद को भी बाउंड्री लाइन के पार भेजा यशस्वी ने, तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों, 6ठे ओवर में बेहतरीन कवर ड्राइव के जरिए ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले से भी एक और शानदार चौका देखने को मिला, और पावर प्ले की समाप्ति तक भारतीय टीम ने भी 52 रन बना लिए, लेकिन पावर प्ले के बाद पहली गेंद पर मैकार्थी के एक बेहतरीन पुल शॉट खेलते हुए गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा ऋतुराज गायकवाड़ ने। अब दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 70 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी थी 8 ओवर की समाप्ति के बाद, लेकिन दोस्तों, इसके बाद यहाँ पर
भारतीय टीम को पहला झटका लगा। भारतीय टीम को पहला झटका यशस्वी जायसवाल के रूप में लगा और जोसवा लिटल ने उन्हें पेवेलियन भेजा और पहली सफलता दिला दी आयरलैंड की टीम को। यशस्वी जायसवाल बेहतरीन पारी खेल रहे थे लेकिन यहाँ पर अपनी पारी को बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पाए, लेकिन उनके आउट होने के बाद क्रीज पर उतरे तिलक वर्मा ने आते ही एक बेहतरीन चौका जड़ा विकेट के पीछे और विकेट कीपर के पीछे से गेंद चार रनों के लिए पहुँच गई। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ ने कमाल का परफॉर्मेंस दिखाया और 10 ओवर की समाप्ति तक उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। एक बेहतरीन छक्के के साथ उन्होंने मिड विकेट बाउंड्री लाइन के पार भेजा गेंद को और इसी छक्के के साथ अपना अर्धशतक पूरा किया। तो वहीं पर इसके बाद 10 ओवर में भारतीय टीम अब 82 रनों तक पहुंच चुकी थी, लेकिन इसके बाद टीम इंडिया को तेजी से रनों की जरूरत थी और ये 11वें ओवर में करके दिखाया ऋतुराज गायकवाड़ ने। जब इस ओवर में बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 3 बैक टू बैक चौके लगाए, लेकिन दोस्तों इसके बाद 12वें ओवर में टीम इंडिया को एक और झटका लगा तिलक वर्मा के रूप में। तिलक एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन इस बार बाउंड्री लाइन पर वो पकड़े गए और उनके रूप में भारतीय टीम को दूसरा झटका लगा। उनके आउट होने के बाद संजू सैमसन क्रीज पर उतरे तो संजू ने भी आते ही कमाल की बल्लेबाजी करते हुए बेहतरीन कट के जरिए चौका लगाया और इस चौके के साथ ही अपनी पारी का शानदार आगाज किया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक और बेहतरीन छक्का उन्होंने बैकफुट से लगाया और गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसके बाद उन्होंने 14वें ओवर में भी एक बेहतरीन चौका उनके बल्ले से देखने को मिला। अब भारतीय टीम का स्कोर 15 ओवर की समाप्ति तक 132 रनों तक पहुँच चुका था, लेकिन मुकाबला जीतने के लिए टीम इंडिया को और तेजी से रनों की जरूरत थी और इसका आगाज 16वें ओवर की पहली गेंद पर किया ऋतुराज गायकवाड़ ने, जहां पर उन्होंने एक और फुल शॉट खेलते हुए गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन दोस्तों भारतीय टीम को 16वें ओवर में ही एक और झटका संजू सैमसन के रूप में लगा। संजू सैमसन के आउट होने के साथ ही टीम इंडिया मुश्किलों में फंस चुकी थी क्योंकि भारतीय टीम के लिए मुकाबला अब और भी मुश्किल होता हुआ जा रहा था। लेकिन तभी यहां पर दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ भी टीम इंडिया के मझधार में छोड़कर चलते बने और भारतीय टीम अब मुश्किलों में फंस चुकी थी क्योंकि भारतीय टीम का स्कोर 17वें ओवर तक 148 रनों तक ही पहुंच पाया था और भारतीय टीम को मुकाबला जीतने के लिए अब 3 ओवर में 56 रनों की जरूरत थी। क्रीज पर मौजूद थे टीम इंडिया की तरफ से रिंकू सिंह तो उनके साथ शिवम दुबे थे, लेकिन दोस्तों वो 18वें ओवर में भी ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए दोनों बल्लेबाज। लेकिन इस ओवर में एक चौके व एक बाइक के चौके की बदौलत 11 रन बटोरने में कामयाब हुए, जिसके चलते अब आखिरी 2 ओवर में 45 रनों की जरूरत थी। वहीं पर दोस्तों 19वां ओवर डालने आए जोसवा लिटल तो इस ओवर की पहली गेंद पर एक रन लेने में कामयाब हुए रिंकू सिंह। अब टीम इंडिया को 11 गेंदों पर 44 रनों की जरूरत थी जबकि स्ट्राइक पर आ चुके थे शिवम दुबे। तो वहीं पर शिवम दुबे ने दूसरी गेंद एक फुलटॉस गेंद थी जिस पर शानदार छक्का बैकवर्ड पॉइंट की तरफ लगाया और गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट किया। वहीं पर दोस्तों अब 10 गेंदों पर टीम इंडिया को 38 रनों की जरूरत थी, लेकिन इसके बाद एक और डॉट गेंद यहां पर देखने को मिली। तीसरी गेंद काफ़ी शानदार यॉर्कर थी जिस पर शिवम दुबे कुछ नहीं कर पाए। तो वहीं पर इस ओवर की चौथी गेंद पर एक बार फिर कमाल का शॉट खेलते हुए उन्होंने गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट किया और शानदार छक्का जड़ दिया। इस छक्के के साथ ही अब टीम इंडिया को बची हुई 8 गेंदों पर 32 रनों की जरूरत थी, लेकिन तभी दोस्तों 5वीं गेंद एक बार फिर डॉट रही लेकिन आखिरी गेंद पर 2 रन लेने में कामयाब हुए यहां पर शिवम दुबे, जिसके चलते अब आखिरी 6 गेंदों पर भारतीय टीम को जीत के लिए 30 रनों की जरूरत थी, यानी कि एक बार फिर असंभव सा लक्ष्य टीम इंडिया के सामने लग रहा था। लेकिन सबको उम्मीद थी रिंकू सिंह के जो कि वो स्ट्राइक पर थे, मैकार्टी आखिरी ओवर लेकर आए। तो दोस्तों यहाँ पर इस मुकाबले को जिताने के लिए उन्हें सिर्फ 2 ही गेंदें डॉट डालनी थी, लेकिन उनकी पहली गेंद पर कमाल का शॉट खेलते हुए रिंकू सिंह ने गेंद को 6 रनों के लिए भेज दिया लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। ये उनके बल्ले से कमाल का छक्का था। तो वहीं पर दूसरी गेंद पर भी एक और कमाल का छक्का इस बार उन्होंने लॉन्ग लेग की तरफ लगाया। यहाँ पर उन्होंने गेंद को 6 रनों के लिए एक बार फिर भेज दिया। 2 गेंदों पर अब 12 रन आ चुके थे, बची हुई 4 गेंदों पर 18 रनों की जरूरत थी टीम इंडिया को। तभी दोस्तों तीसरी गेंद पर जो कि एक शॉट गेंद थी, इस पर शानदार पुल शॉट खेलते हुए गेंद को 6 रनों के लिए भेज दिया विकेट के पीछे रिंकू सिंह ने। 3 गेंदों पर 3 छक्के लगाकर अब इस मुकाबले में टीम इंडिया मजबूत पकड़ में आ चुकी थी, लेकिन तभी दोस्तों चौथी गेंद बिल्कुल यॉर्कर गेंद थी और इस पर कोई रन नहीं बना। अब आखिरी 2 गेंदों पर 2 छक्के चाहिए थे रिंकू सिंह से और वो 5वीं गेंद पर ऐसा करने में कामयाब हुए और उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ दिया। अब आखिरी गेंद पर भी 6 रन चाहिए थे। अब
दबाव पूरी तरह से मैकार्थी के ऊपर आ चुका था, क्योंकि रिंकू सिंह एक कारनामा करने के लिए जाने जाते थे और इस गेंद पर भी हुआ कुछ ऐसा ही। और इस बार एक बार फिर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से उन्होंने गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और आखिरी ओवर में एक बार फिर 5 गेंदों पर 5 छक्के लगाकर टीम इंडिया को ऐतिहासिक जीत दिलाने में कामयाब हुए रिंकू सिंह। रिंकू सिंह की कमाल की बल्लेबाजी दोस्तों आपको कैसी लगी? साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि यह मुकाबला दोनों टीमों के बीच वार्म अप मुकाबला था, जिसमें रिंकू ने यह कमाल करते हुए टीम इंडिया को जीत दिलाई। तो आपको क्या लगता है, तीसरे T20 में भी रिंकू ऐसा ही परफॉर्मेंस करेंगे? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।